हेलो स्टूडेंट, मैं निशांत सिन्हा एडू पैड पर आपका वेलकम करता हूँ। आज की क्लास में हम जो टॉपिक बच्चे डिस्कस करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है वोट एंड स्ट्रीम। वोट एंड स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये बहुत ज्यादा डिमांडेड टॉपिक था आप लोगों के लिए। सर, वोट एंड स्ट्रीम आप एक बार करवा दीजिए। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे वोट एंड स्ट्रीम की, जिसे हम कहते हैं नौ एवं धारा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के इस क्लास में, आज के इस सेशन में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं, वो सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चन बोर्ड एंड स्ट्रीम के हम वन बाय वन एक एक करके देखेंगे। मैं क्वेश्चन को बोर्ड पर लिखता जाऊंगा विद ऑप्शन, आप लोगों को कॉन्सेप्ट में समझा दूंगा कि बोर्ड एंड स्ट्रीम होता क्या है और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। वो सारी चीजें आज की क्लास में वन बाय वन हम देखेंगे। तो जो भी बच्चे इस टाइम पे लाइव आ रहे हैं, जल्दी से जल्दी लाइव आ जाए। निधि यादव गुड मॉर्निंग, आकाश कुशवाहा गुड मॉर्निंग, जो भी बच्चे आ रहे हैं जल्द से जल्द आ जाएं और एक एक करके जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, ताकि आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया जा सके। प्रीवियस ईयर ये टॉपिक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें जो भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं, उनका मैं पूरा पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा। जल्दी से जुड़ जाए आप लोग, जो भी बच्चे इस टाइम पे जुड़ रहे हैं। आपको ही पता है कि वोट एंड स्ट्रीम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम भी होती है। तो जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं, जल्दी से जल्दी जुड़ जाए वोट एंड स्ट्रीम के लिए। हैली बेटेज का टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जुड़े जल्दी से आप लोग। बोट एंड स्ट्रीम के इस चैप्टर के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसे हम कहते हैं नौ एवं धारा। बोट एंड स्ट्रीम, जिसे कहते हैं नौ एवं धारा। पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन में बेसिक चीजें क्या हैं और किस तरीके से क्वेश्चन को हम डील करते हैं। जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं, जल्दी से आप वीडियो को एक बार लाइक कर दो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और अपने ग्रुप, अपने फ्रेंड्स से अमंग इसे शेयर कर दो, ताकि जो बच्चे बोट एंड स्ट्रीम करना चाहते हैं वो एक बार जल्दी से बोट एंड स्ट्रीम के बेसिक कॉन्सेप्ट को देख ले। क्योंकि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका निकल गया तो फिर क्वेश्चन की वैरायटी में आपको बहुत प्रॉब्लम होनी है। तो जो भी बच्चे जुड़ रहे हो, जल्दी से आप एक बार अपने फ्रेंड के साथ लिंक शेयर कर दो। स्टार्ट करूंगा मैं बोट एंड स्ट्रीम बहुत ही जल्द आपके साथ, एक से दो मिनट में। जल्दी से जुड़ जाएं आप बोट एंड स्ट्रीम के लिए। जिन बच्चों का प्रीलिम्स का एग्जाम होना है 2020 के लिए, जो प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल प्रीलिम्स के लिए, या फिर सीएचएसएल का जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, या फिर जिन बच्चों का सीजीएल 2019 क्लियर हो रखा है और मेंस उनको देना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वोट एंड स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे कम से कम बच्चे दो से तीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, दो से तीन क्वेश्चन कम से कम आपके एग्जाम में बनते हैं। संजू सिंह गुड मॉर्निंग। तो जो भी बच्चे जुड़ रहे हो, जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। आपको पता है कि ऑन टाइम यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। मीनू सिंह गुड मॉर्निंग, जुड़ते जाएं आप लोग जल्दी से जल्दी। जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं, जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। तो मैं स्टार्ट करता हूं टॉपिक, जिन बच्चों को जुड़ना होगा वो जुड़ते रहेंगे। एक बार टॉपिक स्टार्ट हो जाने के बाद, स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट के बाद इस टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, और उसके बाद अगर आप जुड़ते हैं तो चीजें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। कल किसी बच्चे का ये डिमांड था, जिस टाइम पर अलजेब्रा की क्लास आपकी चल रही थी, कि सर बोर्ड एंड स्ट्रीम करवा दीजिए, इसीलिए बोर्ड एंड स्ट्रीम का टॉपिक आज लिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं, अब जिनको आना होगा वो आते रहेंगे। बोर्ड एंड स्ट्रीम का मतलब होता है बच्चे नौ एवं धारा। इसमें दो बहुत बेसिक सी बातें आप समझना। एक टर्म है जिसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम,
एक टर्म है जिसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम और एक दूसरा टर्म है जिसे हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है अनुप्रवाह, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है अनुप्रवाह और अप स्ट्रीम का मतलब होता है उदर्भ प्रवाह। ये डाउन स्ट्रीम क्या होता है, ये अप स्ट्रीम क्या होता है, ये अनुप्रवाह क्या है, ये उदर्भ प्रवाह क्या है, ये आप समझें। अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा के साथ, अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा के साथ और अप स्ट्रीम उदर्भ प्रवाह का मतलब होता है धारा के विपरीत, धारा के विपरीत। अब धारा के साथ और धारा के विपरीत इस चीज का कहने का मतलब क्या है, आप इसे समझें। अगर डाउन स्ट्रीम कहता है, दो बातें आप समझना यहां पे, एक मैं आपसे बात कर रहा हूं एसबी की, यहां मैं लिख रहा हूं आपके पास एसबी। एसबी का मतलब होता क्या है बच्चे, तो आप कहोगे स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ बोट। और एससी का मतलब होता है बच्चे स्पीड ऑफ करंट। तो बोट, स्पीड ऑफ द बोट कहने का मतलब क्या है, तो आप कहोगे नाव की चाल। और स्पीड ऑफ द करंट कहने का मतलब क्या है, तो आप कहोगे धारा की चाल। अगर कभी आपने ऐसा सपोज किया है कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर आप बोटिंग कर रहे हो और अगर करंट का डायरेक्शन भी उसी तरफ से है, या फिर आप ऐसा समझ लो आप रोड पर चल रहे हो और पीछे से किसी ने आपको पुश कर दिया, आगे की ओर धक्का दे दिया, तो क्या होगा, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि जब कभी आप धारा के साथ जा रहे होते हो तो धारा की स्पीड आपके स्पीड में ऐड हो जाती है और आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, और अगर आप धारा के अगेंस्ट जाते हो तो आपकी स्पीड धारा की स्पीड में से माइनस करने पर जो स्पीड बचती है आप उस स्पीड से ट्रेवल कर रहे होते हो। तो कहने का सिर्फ बेसिस का मतलब यह है कि अगर आपके पास डाउन स्ट्रीम है तो आप धारा के साथ जाओगे। यहां पर मैं डाउन स्ट्रीम को डीएस से इंडिकेट कर रहा हूं और इस टाइम पर स्पीड ऑफ द बोट और स्पीड ऑफ द करंट दोनों को ऐड करना होगा। जबकि अप स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड ऑफ द बोट में से स्पीड ऑफ द करंट माइनस करना होगा। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है स्पीड ऑफ द बोट, जिसे हम कहते हैं धारा की चाल के साथ नाव का जाना, और अप स्ट्रीम का मतलब है कि बोट की स्पीड जो होगी ना उसमें से करंट की स्पीड को माइनस करना होगा। आप क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो करंट की स्पीड में से करंट की स्पीड ऐड हो गई। तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम इक्वल टू बोट की स्पीड, अगर ऐड करोगे तो ये दो बार बोट की स्पीड आ जाएगी। तो स्पीड ऑफ द बोट क्या आएगा, तो ये आएगा डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम और डिवाइडेड बाई क्या होगा, टू। ये निकल कर आ गया आपके पास एक फॉर्मूला कि अगर बोट की स्पीड निकालनी है तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन में टू करोगे। तो मैं यहाँ पर दोनों फॉर्मूले को लिख देना हो, आप इसे समझ लें कि कभी भी अगर आपके पास बोट की स्पीड पूछी जाती है बच्चे, तो बोट की स्पीड होती है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन में टू, और कभी भी अगर आपके पास स्पीड ऑफ द करंट पूछा जाता है तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन में क्या होता है, तो आप कहोगे टू। मतलब बेसिक बातें मैं कर रहा हूं आपसे कि बोट की स्पीड के लिए दोनों को ऐड करके आधा कर दो और करंट की स्पीड के लिए दोनों को माइनस करके आधा कर दो। बस इतनी सी बात आपको समझनी है कि जब कभी हम डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे तो बोट की स्पीड में करंट की स्पीड जोड़ देते हैं, और जब कभी हम बात करने जा रहे हैं अप स्ट्रीम की तो बोट की स्ट्रीम में से करंट की स्पीड को हम माइनस कर देते हैं। बात इतनी समझ में आ चुकी है आपको। उसके बाद देखो डाउन स्ट्रीम होता क्या है, तो आप कहोगे बोट प्लस करंट होता है। अप स्ट्रीम होता क्या है, तो आप कहोगे बोट माइनस करंट होता है। अगर मैंने दोनों को ऐड कर दिया तो करंट से करंट माइनस डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्पीड ऑफ द बोट। तो स्पीड ऑफ द बोट जो आया है वो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन में क्या आया है, टू आया है। ठीक है, तो बोट की स्पीड का ये फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया और करंट की स्पीड का ये फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। ये दोनों फॉर्मूले आप इसे नोट डाउन कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर के लिए। जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लें। उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर आपने नोट डाउन कर लिया है या स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं।
चलो, अगर आपको ये बात समझ आ चुकी है तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चीजें क्या है। मैं आपके पास क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन क्या है और किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, वो सारी चीजें मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। क्वेश्चन क्या है, देखो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप समझ रहे हैं यहाँ पे। इंग्लिश में क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, हिंदी में आप कहोगे तो मैं क्वेश्चन या तो डिक्टेट कर दूंगा या तो लिख दूंगा। क्वेश्चन देखो क्या है, अ मैन रोज 750 मीटर इन 6:75 सेकेंड्स। Against the stream and return in 7.5 minutes. Find his rowing speed in still water. इन स्टिल वॉटर ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास 3 किलोमीटर पर है ना, बी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर है ना, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर है ना, और डी ऑप्शन दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर है ना। आपसे पूछा जाता है इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, आपसे पूछा जाता है इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। अच्छा, हिंदी की बात कर रहे हो बच्चे, मैं हिंदी में आपको डिक्टेट कर दे रहा हूं। क्वेश्चन कहता क्या है वो आप समझे। यहाँ पर एक आदमी है जो 750 मीटर की दूरी 675 सेकंड में धारा के विपरीत तय करता है, और जब वो लौटता है, अगर गया वो धारा के विपरीत है तो आएगा, तो सिंपल सी बात है धारा के साथ आएगा। जब धारा के साथ आता है तो 7.5 मिनट में वो लौट आता है। तो आपसे पूछा जाता है उस आदमी की अस्थिर जल में चाल बताएं, उस आदमी की अस्थिर जल में चाल बताएं। आपको स्पीड बताना उस पर्सन की स्टील वाटर में, तो कह सकते हो कि आपसे बोट ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट पूछा गया है। सबसे पहले अप स्ट्रीम की स्पीड की बात कर लेते हैं, तो अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होगा, स्पीड होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना था तो आप कहोगे 750 मीटर, और टाइम कितना दिया हुआ है तो आप कहोगे 675 सेकंड, 6:75 सेकंड। आप चाहो तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लो, नहीं चाहो तो मत करो, 6:75 सेकंड। यहां ध्यान से देखो, संख्या 25 से कट रही थी, ये 30 बार में चला जाएगा, इसे कट कर दो, ये आपके पास 27 बार में, इसे कट कर दो 3 से 10 और 3 से 9, मतलब 10/9 मीटर पर सेकंड आ गया है। आप देखो आपका ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो मल्टीप्लाई 5/18 से करेंगे, जबकि मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो तो 18/5 से करते हैं, तो इंटू में 18/5 कर दो, किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब देखो 9 से 2 बार में कट गया, 5 से 2 बार में कट गया, तो ये जो स्पीड आई है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा आई है। इसी तरीके से अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं तो यहाँ पर स्पीड भी डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, और डिस्टेंस आपके पास फिर से 750 मीटर है, और जो टाइम आपके पास दिया था वो 7.5 मिनट है। आप इसे 7.5 मिनट ही रहने दो। तो देखो यहाँ पर बच्चे, अगर मिनट को घंटे में बदलना है तो आपको पता है, या फिर आप सेकंड में बदल लो इसे, 7.5 × 60, ये सेकंड आ गया, डेसिमल से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, और 75 से 10 बार में कट जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड आ रही है 10/6 का मतलब 5/3 मीटर पर सेकंड आ रही है। अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो इसको भी आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से 5 कैंसिल और 6 बार में, मतलब इसकी जो स्पीड आ गई है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई है। अब आप कह सकते हो कि डाउन में स्पीड जो है वो 6 है और अप में जो स्पीड है वो 4 है, अगर ऐसा कुछ है
तो स्पीड ऑफ द बोट आपको पता है कि डाउन प्लस अप अपॉन टू होता है, तो 6 और 4 10, और 10 का अगर हमने आधा कर दिया तो आंसर आएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो स्पीड ऑफ द पर्सन इन स्टिल वाटर की बात की जा रही थी उसका आंसर है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर पर एन आर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो अगर आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आ चुकी है तो एक बार कमेंट में यस सर टाइप कर दें, और जल्दी से आप नोट डाउन कर लें चीजों को, आप नोट डाउन कर लें। मैं चीजों को बहुत आराम आराम से करवाऊंगा क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहां कहीं भी आपको डाउट होगा आप चीजों को मेरे साथ क्लियर करते चलें। जल्दी से आप नोट डाउन कर लें। बहुत बहुत यस सर, विभव कुमारी यस सर, ओके आपका क्लियर हो चुका है बच्चे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, चीजों को समझता हूँ कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को डिस्कस हमें करना है। आगे बढ़ते हैं, मैं क्वेश्चन को बोर्ड पे लिख रहा हूं। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर टू, अ बोट गोज 6 किलोमीटर एन आर इन स्टिल वाटर। It takes thrice as much time in going the same distance against the current comparison to direction of current। Find the speed of current ऑप्शन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन जो दिया गया है वो ए में 4 है, बी में 5 है, सी में 3 है और डी में 2 है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप बिल्कुल ना घबराएं, मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं आपके पास, हिंदी में समझा रहा हूं आपको मैं क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। क्वेश्चन कहता है कि एक बोट है जो अस्थिर जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, और ये जो है इट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट कंपैरिजन टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। कहने का मतलब इसके पास ये है कि एक बोट जिसकी स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये अगर धारा के विपरीत जाता है ना, धारा के विपरीत जाता है तो धारा के साथ जाने के बजाय ये 3 गुना ज्यादा टाइम लेता है। मतलब कह सकते हो कि अप स्ट्रीम में जो ये टाइम लेता है वो डाउन स्ट्रीम के बजाय में 3 गुना ज्यादा लेता है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। स्पीड ऑफ द करंट का मतलब क्या है कि आपसे पूछा गया है कि धारा की चाल ज्ञात करें।
तो उम्मीद करता हूँ हिंदी में आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अगर आपको हिंदी में भी क्वेश्चन लिखवाना है तो एक बार कमेंट में बॉक्स में लिख दो कि सर हिंदी में भी क्वेश्चन लिख दीजिए, तो मैं हिंदी में भी क्वेश्चन लिख दूंगा। अगर हिंदी में भी क्वेश्चन लिखवाना है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर हिंदी में भी क्वेश्चन लिख दीजिए। क्वेश्चन ऐसे मैं आपको हिंदी में डिक्टेट करके बता दे रहा हूँ कि एक नाव है, एक बोट है, जिसे 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो अस्थिर जल में जाता है। ठीक है, इसका मतलब बोट की स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटे दी गई है, और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि आपका स्ट्रीम में ये डाउन स्ट्रीम के बदले 3 गुना ज्यादा समय लेता है। 3 गुना सर बोल दिया करो हिंदी में। हाँ ठीक है, ठीक है। तो अगर वो धारा के विपरीत जाता है तो धारा के साथ जाने के बजाय 3 गुना ज्यादा समय लेता है। आपसे पूछा जा रहा था बच्चे, फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट, धारा की चाल ज्ञात करें। कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है सी, बाकी बच्चों का आंसर आने दीजिए। अनुपमा शर्मा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अनुपमा, जल्दी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है और किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मनोज यादव थर्ड आ रहा है, देखते हैं बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या। संजीव सिंह थर्ड आ रहा है। देखो बच्चे, बोट की स्पीड, जो स्पीड ऑफ द बोट है ना, वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे है। यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है, यहां तक उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं हो। कहता है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की बात करते हैं। देखो कॉन्सेप्ट से बनाओगे तो कॉन्सेप्ट से बन जाएगा, ट्रिक से बनाओगे ट्रिक से बन जाएगा, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। यहां मैं लिख रहा हूँ डी और यहां लिख रहा हूँ यू। डी का मतलब डाउन है और यू का मतलब अप स्ट्रीम है, मतलब इतनी सी बात समझना। ये डाउन स्ट्रीम है और ये अप स्ट्रीम है। कहता है डाउन स्ट्रीम की बजाय अप में 3 गुना टाइम। तो डाउन में अगर 1 घंटा लग रहा होगा तो अप में कितना लगेगा, तो आप कहोगे 3 लगेगा। बच्चे ये रेशियो किसका है, तो आप कहोगे टाइम का है। ठीक है, अब आप समझो अगर स्पीड के रेशियो पे आना है तो क्या करोगे, रिवर्स करेंगे। तो डाउन और अप में जो स्पीड का रेशियो आएगा वो कितना आएगा, तो आप कहोगे कि सर 3:1, ये आपके पास स्पीड आया है। डाउन में स्पीड 3 है तो अप में स्पीड कितना है, 1 है। इसके बाद बच्चे करने की क्या जरूरत है आप समझो, हमारे पास जो चीजें दी गई हैं बोट की स्पीड दी गई थी। यहां पर लिखो बोट की स्पीड, यहां मैं लिख रहा हूँ बोट स्पीड ऑफ द बोट SB, और यहां मैं लिख रहा हूँ स्पीड ऑफ द करंट। बोट कहता क्या है, दोनों को ऐड करके आधा, तो 3 और 1 4, 4 का आधा कितना, तो आप करोगे 2। मैं फिलहाल 4/2 लिख रहा हूँ, आधा करने के काम बाद में करेंगे। और 3 में 1 या 2, 2/2 करोगे तो 1 आएगा। आप जानते हो करना क्या चाह रहे हो, ये देखो ना, 2 जो है ना ये दोनों में हमेशा कॉमन आएगा, क्योंकि पता है आपको बोट के लिए डाउन की स्ट्रीम प्लस अप की स्ट्रीम करके आधा करना है। और जब हम करंट की बात करते हैं तो डाउन में से अप को माइनस करके आधा करते हैं। तो इन दोनों ही सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जो 2 है वो कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो आपको क्या ध्यान देना है हमेशा कि डिनोमिनेटर वाले पार्ट में जो 2 है उसका कोई रोल यहाँ पे नहीं लिखना है। डायरेक्ट लिखो 3 और 1 कितना, तो कहोगे 4। 3 में 1 गया कितना, तो कहोगे 2। तो रेशियो कितना आ गया, 2:1। मतलब बोट की स्पीड 2 है तो करंट की स्पीड कितनी है, तो कहोगे 1 है। लेकिन बोट की स्पीड थी कितनी, 6। तो 2 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई, तो करोगे 3 से। तो 1 को भी 3 से कर दो, आपका जो आंसर आएगा बच्चे वो आएगा 3 किलोमीटर पर एन आर, 3 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो आप लगा सकते हो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर पर एन आर। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप नोट डाउन कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें यस सर। अगर समझ आ रहा है तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें यस सर। चलो नोट डाउन कर लें आप जल्दी से। ऋतिक यादव सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज।
सर डोंट माइंड, प्लीज रिपीट कर दीजिए। नहीं, माइंड करने वाली कोई बात नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो बच्चे लेट आए हैं उनको दिक्कत होगी। एनीवे, मैं फिर से समझा रहा हूँ, समझना इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है बच्चे, समझो। क्वेश्चन चैप्टर बहुत अच्छा है इसलिए आप समझें एक बार। आप एक बार क्या 10 बार ही पूछोगे तो मैं 10 बार ही बताऊंगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ यहाँ पर मैटर यह है कि आपको समझ आना चाहिए। देखो यहाँ पर कहता क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी स्पीड दी गई थी? बोट की। तो बोट की स्पीड कितनी लिख दी मैंने? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हालांकि क्वेश्चन आप लोगों को दिख चुका है, तो मैं क्वेश्चन को बोर्ड पर से रब कर रहा हूं और फिर से समझाता हूं आपको कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। आराम आराम से करेंगे, लेकिन चैप्टर हम पूरे अच्छे से कंप्लीट करेंगे बच्चे। देखो बोट की स्पीड लिख दो और करंट की स्पीड थी। बोट की स्पीड दी हुई थी बच्चे 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां लिख रहा हूं मैं डाउन स्ट्रीम, यहां लिख रहा हूं मैं अप स्ट्रीम। कहता है डाउन स्ट्रीम के बजाय अप स्ट्रीम में जाने में तिगुना टाइम लगता है। मतलब अगर डाउन में 1 लगता है तो अप में कितना लगेगा? तो आप कहोगे 3 लगेगा। समय लगता है, इसका मतलब ये रेशियो किसका है? टाइम का। किसका रेशियो है? टाइम का। अब मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूं, यहां पर आप समझना। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है? बिल्कुल। अगर आपके पास डिस्टेंस कांस्टेंट हो, अगर आपके पास, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो आपको पता होना चाहिए, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है। स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है। जैसे मान लो 100 किलोमीटर की मुझे दूरी तय करनी है। अगर मैं 10 के स्पीड से जाऊंगा तो 10 घंटे का, 20 के स्पीड से जाऊंगा तो 5 घंटे का, 40 के स्पीड से जाऊंगा तो 2.5 घंटे का, 50 के स्पीड से जाऊंगा तो 2 घंटे का, 100 के स्पीड से जाऊंगा तो 1 घंटे का टाइम लगता है। तो आप यहां पर इस बात को समझ सकते हो कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ाया है वैसे वैसे टाइम कम लगा, और जैसे जैसे स्पीड घटाया है वैसे वैसे टाइम ज्यादा लग रहा है। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि स्पीड और टाइम जो होता है वो हमेशा इनवर्स में काम करता है अगर डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है। इसमें कहता क्या है कि एक बोट है, मान लेते हैं ए से बी जा रहा था, तो जाता अप में है तो सिंपल सी बात है, जब लौटेगा तो किस में आएगा? तो आप कहोगे डाउन स्ट्रीम में आएगा। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, गया अप में तो आया डाउन में। लेकिन अगर ए से बी जाने का जो डिस्टेंस होगा वही तो डिस्टेंस बी से ए आने का होगा। इसका मतलब डिस्टेंस यहाँ कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड जो होगा वो इनवर्स रेशियो में होगा। तो आप कह सकते हो कि 3:1 जो है वो स्पीड का रेशियो है, ठीक है? अब हमें दिया हुआ था बोट की स्पीड, तो आपको पता है कि जब डाउन की स्पीड मिल गई, अप की स्पीड मिल गई, तो बोट की स्पीड का मतलब होता है दोनों को ऐड कर दो, तो बोट की स्पीड कितना? तो 4। करंट की स्पीड के लिए माइनस कर दो, कितना? 2। तो रेशियो आ गया 2:1। मतलब बोट की स्पीड अगर 2 है तो करंट की स्पीड कितनी है? 1 है। लेकिन बोट की स्पीड 2 नहीं, कितनी थी? 6 है। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। तो 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो करंट की स्पीड आई है बच्चे वो आया है 3 किलोमीटर पर एन आवर। जो करेक्ट आंसर आया था वो आंसर है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका करेक्ट आंसर है। हाँ, अगर आपको यहां कहीं तकलीफ हो रही है तो मैं इसे फिर से एक बार समझाता हूँ, आप यहां समझना। देखो बच्चे डाउन स्ट्रीम के लिए मैंने बताया, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि टाइम पर आप बिल्कुल क्लास स्टार्ट करें। देखो स्पीड ऑफ द बोट के लिए मैंने बताया डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2 होता है, और करंट की स्पीड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि डाउन माइनस अप अपॉन 2 होता है। तो देखो यहाँ 4 था, यहाँ 2 है, 4 और 2 कितना? यहाँ बात समझना, यहाँ 3 और 1 था डाउन और अप की स्पीड, तो 3 प्लस 1 अपॉन में 2 कर दो, और यहाँ 3 माइनस 1 अपॉन में 2 कर दो, तो 4/2 कितना आएगा? 2 आएगा, और 2/2 कितना आएगा? 1 आएगा। तो 2:1 देखो आपके पास आया है। तो मेरा कहना क्या है कि हर बार आप करोगे क्या 3 प्लस 1/2 और 3 माइनस 1/2, तो ये 2 और 2 तो हमेशा कट जाएगा ना रेशियो होने के कारण। तो डायरेक्ट क्या करो कि जब बोट निकाल रहे हो रेशियो निकालना है तो 3 और 1 को ऐड कर दो, 4 आ गया,
तीन और एक को माइनस कर दो, दो आ गया, तो दो एकम दो, दो दूना चार, तो बोट की स्पीड दो आई है, तो करंट की स्पीड एक आई है, लेकिन बोट दो नहीं छह था, मल्टीप्लाई किससे करोगे, थ्री से, वन को भी थ्री से कर दो, करेक्ट आंसर जो आएगा वो 3 किलोमीटर पर एन आवर आएगा। अब जो भी बच्चे हो एक बार वो कमेंट करके बता दें, अनुपमा शर्मा, अनिल कुमार, रितिक श्रीवास्तव, जो भी बच्चे हैं एक बार कमेंट करके बता दें, अगर किसी तरीके का किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप बताएं, और जिनको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर लें। हर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम होगा, हाँ अनुपमा हर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम होगा, इसलिए सेम होगा बच्चे क्योंकि फॉर्मूले में ही टू है, और जब टू है तो आपको पता है ना कि रेशियो है, तो सेम नंबर कैंसिल आउट करने से रेशियो में कोई भी चेंजेज नहीं होता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। नोट डाउन कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके सर समझ आ गया, थैंक यू। ओके आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो जो टॉपिक में आपको प्रॉब्लम, आप टॉपिक बताते चले जाए, सबसे पहले मैं उन्हीं टॉपिक को करवाता जाऊंगा। जैसे आज किसी बच्चे का टॉपिक था बोट एंड स्टीम, उसी तरीके से अगर किसी बच्चे को किसी टॉपिक में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही हो या कोई डर लगता हो कि टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो, तो सबसे पहले वही टॉपिक हम सेलेक्ट करके टॉपिक को कंप्लीट करवाएंगे मॉर्निंग वाले बैच में। इवनिंग वाले स्लॉट में 6 से 8 वाले में बच्चे एडवांस का सेक्शन आगे होगा, तो आप जिनका एडवांस वीक है, अलजेब्रा वीक है, वो 6 से 8 वाले सेक्शन में, 6 से 8 वाले टाइम स्लॉट में आप करें क्वेश्चन को। देखो बच्चे ये क्वेश्चन आपका 2003 में दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे, ये क्वेश्चन 2004 में पूछे गए हैं। जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके पास, ये सिजिल के एग्जाम में 2004 में पूछे गए हैं। मैं सारे ही क्वेश्चन को आपको वन बाय वन डिस्कस करता रहूंगा, आप देखते जाए। क्वेश्चन कहता है अ बोट गोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 8 आवर्स एंड 36 किलोमीटर एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ऑप्शन नंबर ए पूछा गया है 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी पूछा गया है 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और ऑप्शन नंबर डी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। जल्दी से बच्चे कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस में डाउट है सर क्वेश्चन में, उसे कैसे क्लियर करूं? बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस तो मैंने पिछली क्लास में ही करवा दिया था, जो डाउट है वो आप एक बार क्या करना, डाउट के लिए मैं एक डाउट सेशन ले लूंगा प्रॉफिट लॉस का, तो आप उसमें आप डाउट अपना पूछ लेना। रेनु सर अलजेब्रा क्वेश्चन में से कम समझ आता है, अलजेब्रा कम समझ आता है तो सबसे पहले आज वाली क्लास आप अटेंड करें, और जो सबसे पहले वाला वीडियो आपको अपलोड किया गया था 1 महीने पहले जो क्लास हुई थी, उसमें आप जा करके सबसे पहले आप उसका बेसिक पार्ट पूरा कंप्लीट करें, और जहां कहीं भी डाउट होता है उसका एक ही सॉल्यूशन है। जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको इन डिटेल करवाए हैं वो सारे फॉर्मूले आप एक बार याद कर लो, उससे बाद शाम वाली क्लास में मिलते हैं, जहां कोई डाउट होगा उसका मैं सॉल्यूशन आपको दूंगा। पहले फॉर्मूले करवा दो, फॉर्मूला रेनू मैंने करवा दिया है पहले ही, आप के पास वीडियो होगी, आप एक बार यूट्यूब पर जाकर वीडियो देख लेना, आपको मिल जाएगा। उससे बाद भी कोई डाउट होती है तो एक बार आप शाम में बताना, मैं शाम वाली 6 से 8 वाली क्लास में फॉर्मूले से ही स्टार्टिंग कर दूंगा एक बार। सर लास्ट टू वर्ड्स क्या है, ब्लर दिख रहा है। अच्छा ये लास्ट टू वर्ड्स जो है वो स्टिल वाटर में पूछ रहा है। क्वेश्चन कहता है कि एक बोट है जो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता है, 40 किलोमीटर धारा के विपरीत जाता है, तो उसे 8 घंटे का समय लगता है, लेकिन अगर वही बोट 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है तो 6 घंटे का समय लगता है।
क्वेश्चन कहता है नाव की चाल याद करें अस्थिर जल में, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में आपसे स्पीड पूछी जा रही है, स्टिल वाटर में आपसे स्पीड पूछी जा रही है। तो बच्चे एक बात आप समझना बहुत अच्छे से, आपके पास जो डिस्टेंस दिया था वो 40 किलोमीटर है और जो टाइम दिया था वो 8 घंटा है। तो अगर अपस्ट्रीम में आपसे स्पीड पूछा जाएगा तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपके पास अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई है। जबकि डाउन स्ट्रीम की अगर स्पीड की बात करें तो आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता, डिस्टेंस 36 है और टाइम आपके पास 6 घंटे का है। तो 36/6 किलोमीटर प्रति घंटा आपके पास स्पीड आ गई है। तो अपस्ट्रीम की स्पीड 5 है और डाउन स्ट्रीम की स्पीड आपके पास 6 है। आपसे पूछा गया था स्पीड ऑफ द बोट, आपको पता है बच्चे स्पीड ऑफ द बोट के लिए डाउन स्ट्रीम की स्पीड प्लस अपस्ट्रीम की स्पीड अपॉन 2 करते हैं। तो 6 + 5 जो होता है वो 11 होता और 11/2 का मतलब होता है बच्चे 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5.5 किलोमीटर पर एनआर। ये आपके ऑप्शन नंबर बी में है, ये आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 5.5 किलोमीटर पर एनआर है, 5.5 किलोमीटर पर एनआर है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर आ गई है तो आप एक बार नोट डाउन कर लो चीजों को। और अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हैं, सर इन क्वेश्चन की ट्रिक नहीं है क्या? अब इस क्वेश्चन में करना ही क्या है, ट्रिक तो उन क्वेश्चन की होती है ना जो टाइम टेकिंग होता है। इनमें बस एक ही चीज है कि आपके पास डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम होगा, बोट पूछे तो दोनों को ऐड करके आधा कर दो और अगर करंट पूछे तो दोनों को माइनस करके आधा कर दो। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। हाँ, जिन क्वेश्चन में ट्रिक होगा उन क्वेश्चन में ट्रिक करवाऊंगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ये बहुत बेसिक है, इनमें ट्रिक की जरूरत नहीं है, इनमें ट्रिक की जरूरत नहीं है। आप आसानी से इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें और जो मैंने अभी तक 3 क्वेश्चन करवाए हैं एक बार आप उसे देख लें। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पहले पूछ लें, अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पहले पूछ लें। जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लें, कोई डाउट हो तो आप पूछ लें। सर सिर्फ इस की नहीं, इस टॉपिक की पूछ रही हूँ, इस टॉपिक में ट्रिक है। अभी मैं आपको करवाऊंगा, जब अच्छे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं ट्रिक के थ्रू ही करवाऊंगा। इसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपने देखा कि मैंने फॉर्मूले का यूज नहीं किया, मैंने आपको क्वेश्चन को रेशियो के हेल्प से सॉल्व करवाया है। तो रेशियो के हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप इसे नोट डाउन कर लें, नोट डाउन करने के बाद अगर आपको चीजें समझ आ रही है तो मैं आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और किस तरीके से हम क्वेश्चन को डील करेंगे, किस तरीके से हम अगले क्वेश्चन को डील करेंगे। जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। वो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है और किस तरीके से हम क्वेश्चन को डील करेंगे, किस अप्रोच के साथ क्वेश्चन को डील करेंगे। क्वेश्चन क्या है देखो, ये क्वेश्चन 2007 में आपके एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मैन कैन रो एट ए स्पीड ऑफ
4.5 किलोमीटर पर एन आवर, इन स्टील वाटर इफ इट टेक्स टू टाइम्स एज लॉन्ग टू रो अ डिस्टेंस अपस्ट्रीम upstream as to row the same distance downstream find the speed of the current फाइंड द स्पीड ऑफ द करेंट. ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 1 किलोमीटर पर एन आवर, 1.5, 2, और डी में आपके पास दिया है 2.5. अ मैन कैन रो एट अ स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर एन आवर इन स्टिल वाटर. ये सारे 4 किलोमीटर प्रति घंटा ये बोट की स्पीड या आदमी की स्पीड दी हुई है. ये क्या दिया हुआ था? 4.5 किलोमीटर पर एन आवर. इफ इट टेक्स टू टाइम्स एज लॉन्ग टू रो अ डिस्टेंस अप स्ट्रीम एज टू रो द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम. कहता है अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम की बजाय डबल डिस्टेंस लेता है. अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम की बजाय अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो डबल डिस्टेंस ट्रेवल करता है. डबल डिस्टेंस ट्रेवल करता है अपस्ट्रीम में वो डबल डिस्टेंस का टाइम ले रहा है. डिस्टेंस तो सेम ही है लेकिन टाइम डबल लग रहा है और डाउन स्ट्रीम में टाइम कम लगता है उसके बजाय. तो कहता है करंट की स्पीड बता दें. अभी मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन बताया कि डाउन और अप की अगर बात करो तो अप में टाइम ज्यादा लगेगा. मतलब डाउन में टाइम 1 घंटा तो अप में टाइम 2 घंटा. ये रेशियो टाइम का आ गया. स्पीड का रेशियो क्या आएगा? तो 2:1 बनाएगा. तो यहाँ पर से आप बोट लिख दो और करंट लिख दो. देखो ये ट्रिक है. बोट के लिए क्या करोगे? 2 और 1 3 करोगे. करंट के लिए क्या करोगे? 2 - 1 करोगे. तो आप कहोगे ना कि सर बोट की स्पीड 3 है तो करंट की 1 है. लेकिन बोट की है कितना? 4.5. तो 3 को 4.5 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई? 1.5 से. तो 1 को भी 1.5 से कर दो. आंसर कितना आ गया? तो आप कहोगे 1.5 किलोमीटर पर एन आवर, जो कि बच्चे आपके ऑप्शन नंबर बी में है. बहुत अच्छे ऋतिक श्रीवास्तव, जो कि आपके आंसर ऑप्शन नंबर बी में है. तो अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें. ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने डील किया था, सेम टाइप क्वेश्चन. कोई डाउट हो तो एक बार जल्दी से आप बताएं. ऋतिक का कहना है कि नो सर. बाकी और भी बच्चे जो भी इस टाइम पर लाइव हैं एक बार जल्दी से बताएं. जो भी लाइव हैं जल्दी से बताएं. किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात. ओके है, क्लियर है सर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे. तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करवा दिया. स्क्रीनशॉट लेना है तो आप जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट. आगे बढ़ते हैं, चीजों को इन डिटेल आपको समझा रहा हूं मैं. आगे देखते हैं चीजें क्या है. हिंदी में बोल दिया करो क्वेश्चन. सर बोल तो रहा हूं बच्चे हिंदी में, केवल अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में बोलता हूं इसलिए ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो. क्वेश्चन नंबर 5 की मैं आपसे बात कर रहा हूं. ये क्वेश्चन भी आपके 2007 के एग्जाम में पूछा गया था. द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट
बोट टू डेट ऑफ करेंट टू डेट ऑफ करेंट ऑफ वॉटर इज थर्टी सिक्स रेशियो फाइव. द बोट गोज अलॉन्ग विद द करेंट द बोट गोज अलॉन्ग विद द करेंट इन 5 hours 10 minutes. 5 hours 10 minutes. It will come back in. It will come back in. Option number A है 5 hours 50 minutes. B है 6 hours. C है 6 hours 50 minutes. और D है 12 hours 10 minutes. डी है 12 hours 10 minutes. मैंने लिख दिया क्वेश्चन आपके बोर्ड पर. हिंदी में क्वेश्चन मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, हिंदी में क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, आप चीजों को समझें. क्वेश्चन करता हिंदी में, आप सुने, करता एक बोट है और उसके धारा की चाल का अनुपात दिया था 36:5. बोट और करंट की स्पीड का रेशियो दिया हुआ है बच्चे 36:5. कहता है अगर बोट धारा की दिशा में जाता है, मतलब डाउन स्ट्रीम में जाता है, करंट के साथ जाता है, तो 5 hours 10 minutes का समय लगता है. तो कहता है अगर वो वापस आएगा तो कितना समय लगेगा. तो बच्चे इस बात को समझें, जब वो गया तो 5 hours 10 minutes, लेकिन वो गया था, वो डाउन स्ट्रीम में गया था, तो आएगा तो किस में आएगा, तो अप स्ट्रीम में आएगा. तो क्वेश्चन का सीधा मतलब ये है कि बोट और करंट की स्पीड का जो रेशियो था वो 36:5 है. अगर ये धारा के साथ जाता है तो 5 hours 10 minutes लेता है, तो अगर धारा के विपरीत आएगा तो कितना टाइम लगेगा. बॉस थाउट का आंसर आ चुका है सी. बाकी सारे बच्चे कमेंट करके आंसर बताएं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है. आकाश का भी आंसर आ चुका, रितेश श्रीवास्तव का भी आंसर आ चुका, इस्पिता आप भी आंसर दें, अनिल कुमार आप भी आंसर दें, रेनु आप भी आंसर दें, बताएं जल्दी से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है. सबका आंसर सी आ रहा है, जल्दी से आंसर दें बच्चों. सभी बच्चों का आंसर सी आ रहा है. जिन बच्चों से नहीं बना वो देख लें एक बार बोर्ड पर कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है और किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. देखो क्वेश्चन कहता क्या है, बोट की स्पीड और करंट की स्पीड का अनुपात दिया था 36:5. यहां तक ठीक है. कहता अगर कोई बोट धारा के साथ जाता है, कहने का मतलब क्या है, यहां से आप डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम निकाल लो. डाउन के लिए दोनों को ऐड कर दो तो 41, अप के लिए दोनों को माइनस कर दो तो 31. यहां तक ठीक है. अगर ये धारा के साथ जाता है तो 5 hours 10 minutes का टाइम लेता है.
मिनट को अगर घंटे में बदलोगे तो 10/60, ठीक है, तो 1/6, 31/6 घंटे का टाइम लगता है। ये तब लगता है जब ये धारा के साथ जाता है, मतलब डाउन स्ट्रीम की बात या अप स्ट्रीम की बात, इसकी बात आप समझना काफी अच्छे से। मैं जो कहना चाह रहा हूं उस बात को आप समझें। क्वेश्चन कहता है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द बोट एंड द स्पीड ऑफ द करंट। बोट की स्पीड और करंट की स्पीड का रेशियो दिया हुआ था 36 और 5। यहां पर आपसे क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है आपसे कि डाउन की अगर हम बात करें तो डाउन के लिए हम बोट और करंट को ऐड कर देते हैं, और अप की अगर हम बात करें तो दोनों को माइनस कर देते हैं। तो जैसे ही दोनों को आप माइनस करोगे तो आपको पता है 36 माइनस 5 31 होता है, 36 माइनस 5 31 होता है। धारा की दिशा में जाने में 5 घंटे 10 मिनट का टाइम लगता है, तो धारा के विपरीत दिशा में वह कितने देर में वापस आएगा। तो 5 घंटा 10 मिनट का मतलब क्या होता है कि 5 + 1/6 = 31/6। बच्चे ये स्पीड का रेशियो है, ये भी स्पीड का रेशियो है। टाइम के रेशियो पर चले आओ तो आप कहोगे 31 और 41 ये रिवर्स में होंगे, मतलब डाउन में टाइम 31 घंटे का, तो अप स्ट्रीम में टाइम 41 का लगता है। लेकिन टाइम 31 का नहीं लग रहा था, टाइम कितने का लग रहा था, तो आप कहोगे 31/6 का लग रहा था। तो 31 को अगर 31/6 बनाना है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1/6 से, 1/6 से। यहाँ भी 1/6 से मल्टीप्लाई कर लो तो 41/6 आएगा। आप यहाँ पर सॉल्व कर लो तो आपके पास आ गया 6 सही 5/6 घंटा। तो 6 घंटे और 5/6 घंटा है, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 10 बार में कट जाएगा, तो 6 घंटे 50 मिनट का टाइम लगेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। छह घंटे 50 मिनट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जल्दी से आप नोट डाउन कर लें। चलो, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका है। अगर आ चुका है तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब हम बात करेंगे 2008 की। देखो 2008 के सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन क्या है, आप उसे समझें। क्वेश्चन अच्छा है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके पास। अ मैन गोज डाउन स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम विद अ बोट टू सम डेस्टिनेशन एंड रिटर्न्स अप स्ट्रीम एंड रिटर्न्स अप स्ट्रीम टू हिज ओरिजिनल प्लेस टू हिज ओरिजिनल प्लेस इन 5 आवर्स इफ द स्पीड ऑफ द बोट इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर एंड द स्ट्रीम आर टेन किलोमीटर पर एन आवर एंड 4 किलोमीटर पर एन आवर रिस्पेक्टिवली फाइंड
द डिस्टेंस ऑफ द डेस्टिनेशन, द डिस्टेंस ऑफ द डेस्टिनेशन फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस ऑप्शन नंबर ए है 16 किलोमीटर, बी है 18 किलोमीटर, सी है 21 किलोमीटर और डी है 25 किलोमीटर। डी है 25 किलोमीटर। क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दिया है। सर आपने टाइम डिस्टेंस एंड ट्रेन करवा दिया है क्या? अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट में वो करवा देना सर। ठीक है ऋतिक, इसके बाद मैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस करवा दूंगा। ये डिमांड वाली टॉपिक थी, बच्चे ने कल कहा था कि सर बोट एंड स्ट्रीम करवा दो, इसीलिए बोट एंड स्ट्रीम स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, हिंदी में सुनो। एक आदमी है जो डाउन स्ट्रीम में बोट के साथ कुछ दूरी तक जाता है और वापस लौट आता है। तो जब वो गया तो वो डाउन में गया और आया तब वो अप में आया। गया तो धारा के साथ गया और आया तो धारा के विपरीत आया। तो जो उसे टोटल टाइम लगता है वो 5 घंटे का टाइम लगता है। अब कहता है इफ द स्पीड ऑफ द बोट इज स्टिल वाटर एंड द स्ट्रीम आर 10 किलोमीटर पर एन आर एंड 4 किलोमीटर पर एन आर रिस्पेक्टिवली। जो आपकी बोट की स्पीड है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो धारा की स्पीड है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द डेस्टिनेशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दूरी बता दें, आपसे पूछा जा रहा है दूरी बता दें, आपसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस बता दें। जल्दी से आप डिस्टेंस बताएं कैलकुलेट करके कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया था जब वो या तो डाउन में गया था या तो अप में गया था, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल था। जल्दी से कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। एक बच्चे का आंसर आ चुका है, जल्दी से कमेंट करके बताएं आप सारे बच्चे। विपुल का आंसर आ गया 21 किलोमीटर, बॉस थाउट का आंसर आ गया 21 किलोमीटर। बताएं जल्दी से आंसर। किलोमीटर दो बच्चों का आंसर आ चुका है। मनोज यादव 21 किलोमीटर। और भी जो बच्चे जुड़े हुए हैं जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएं।
मीनू सिंह का आंसर बी, ऋतिक श्रीवास्तव 25 किलोमीटर। ऋतिक 25 किलोमीटर कैसे आंसर आ रहा है भाई, सबका आंसर 21 आ रहा है। देखते हैं आगे कैसे क्वेश्चन को डील किया जा सकता है। आंसर आ रहा है बी। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा, इस चीज को आप अच्छे से समझें। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है कि जाने और आने में टाइम जो लगता है ना, वो टोटल टाइम 5 घंटे का। बोट की स्पीड कितनी दी हुई थी बच्चे, तो आप कहोगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और करंट की स्पीड कितनी दी हुई थी, तो आप कहोगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस उसे ए से बी तक जाना था और बी से ए तक वापस आना था, इसका मतलब जो डिस्टेंस होगा वो तो सेम होगा, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इसे एक्स मान लिया। टाइम क्या होता है बच्चे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मान लेते हैं गया था डाउन में, तो आएगा किस में, अप में। तो एक्स अपॉन क्या करोगे, 10 और 4 ऐड कर दो 14। एक्स अपॉन 10 में से 4 माइनस कर दो 6। तो ये वाला जो टाइम है वो डाउन में जाने में लगा, ये वाला जो टाइम है अप में जाने में लगा, और टोटल टाइम कितना आ गया, तो टोटल टाइम करते हो 5 घंटे का टाइम लगा था। ये आपके पास डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन कहता क्या था आपसे, बोट की स्पीड 10 है, करंट की स्पीड आपके पास 4 है। ठीक है, तो मैंने डाउन के लिए दोनों के स्पीड को ऐड कर दिया, तो डाउन में स्पीड आ गई आपके पास 14 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम होता डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम होता डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू क्या हो गया, 5। अब आपको यहां से करना क्या है, या तो आप इसे सॉल्व कर लो, 14 और 6 का एलसीएम ले लो आप, 14 और 6 का एलसीएम 42 आ जाएगा आपके पास, 42। अब आप क्या करोगे, ऊपर आपके पास आएगा 3x+7x=5। तो देखो आप यहां पर 10x की वैल्यू आएगी 42 × 5, 5 से 2 बार में और 2 से 21 बार में। तो जो x की वैल्यू आ गई है वो 21 किलोमीटर आ गई है, एक्स की जो वैल्यू आई है 21 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का। संजू सिंह का भी आंसर सही है, 21। ऋतिक श्रीवास्तव आपको क्या क्लियर हो चुका, ये ऋतिक क्या ये आपको क्लियर हो चुका है, अगर आपको क्लियर हो चुका है तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। समझ नहीं आया अनुपमा शर्मा को, अनुपमा कहाँ नहीं समझ में आया आप ये बताएं। देखो मैं फिर से समझाता हूँ, क्वेश्चन को रब करता हूँ, हालांकि क्वेश्चन लिखने से बोर्ड पे जगह नहीं होती ज्यादा। देखो मैं आपको क्या क्वेश्चन समझा कहना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन वो आप समझो। क्वेश्चन के थ्रू मैं ये कहना चाहता हूँ कि ए से लेकर बी तक जाना है, मान लेते हैं एक्स किलोमीटर। ठीक है, अब ये बोर्ड की स्पीड 10 थी, करंट की स्पीड 4 थी। तो एक बात बताओ, अगर जाता है ये डाउन में, तो आप कह सकते हो ना कि सर आता होगा तो अप में आता होगा। टाइम कितने घंटे का लगा, 5 घंटे का। तो आपको पता है टाइम होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस एक्स था तो स्पीड कितनी, 10 और 4 14, और डिस्टेंस एक्स था तो स्पीड कितनी, 6, और टोटल टाइम कितना, 5 घंटे का। बस इतना ही तो काम किया मैंने, इसके बाद तो ऑप्शन से पुट कर लो या तो सॉल्व कर लो। टाइम होता डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस एक्स तो जाने की स्पीड 14 हो गई क्योंकि वो धारा के साथ जा रहा था। जब रिटर्न होता है तो डिस्टेंस एक्स था, लेकिन आने की स्पीड क्या होगी, तो 10 में से 4 माइनस कर दो 6 होगा। सॉरी सर मेरा गलत हो गया, बट अब आ गया समझ में, आया तो समझ। अनुपमा 3x और 7x कैसे आया, ओके यहां गलत हो रहा है। 3x और 7x कैसे आया, ये तो बेसिक चीजें हैं। यहाँ देखो आप 14 और 6 का एलसीएम लिया, 42 आ गया। 14 को 42 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x हो गया। 6 को 42 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7x हो गया =5। तो 10x=42 × 5, एक्स की वैल्यू आप यहाँ से सॉल्व कर लो, 21 किलोमीटर पर एन आर, ये आंसर आ जाएगा। अनुपमा क्या आपको समझ में आ गया कि 3x और 7x कैसे आया है, जल्दी से आप कमेंट करके बताएं, जल्दी से कमेंट करके आप बताएं। ओके सर आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन आपसे ये सॉल्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2008 का। क्वेश्चन क्या है? टू बोर्ड्स ए एंड बी स्टार्ट टू बार्ड्स ए एंड बी स्टार्ट टू वर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू प्लेसेज वन हंड्रेड एंड 8 किलोमीटर अपार्ट 108 किलोमीटर अपार्ट स्पीड ऑफ द बोट ए स्पीड ऑफ द बोट ए एंड बी इन स्टील वाटर आर 12 किलोमीटर पर एन आवर एंड 15 किलोमीटर पर एन आवर रिस्पेक्टिवली। If A proceeds down and B up the stream and B up the stream they will meet after दे विल मीट आफ्टर। ऑप्शन नंबर ए है 4.5 आवर्स, बी है 4 आवर्स, सी है 5.4 आवर्स और डी है 6 आवर्स। डी है 6 आवर्स। क्वेश्चन लिख दिया है बोर्ड पे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, मैं क्वेश्चन को पढ़ के बता रहा हूँ कि क्वेश्चन है क्या। अब सुनो, क्वेश्चन ये कहता है कि दो नाव ए और बी दो अलग अलग जगहों से एक दूसरे की तरफ चलते हैं। मतलब मान लो अगर ए और बी पे दो नाव हैं तो ए जाता बी पे, बी जाता ए पे। दोनों जगहों के बीच की दूरी जो दी गई है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस, वो 108 किलोमीटर है। कहता है नाव ए और बी की चाल आपके पास 12 और 15 है। ये कहता है कि डाउन में जाता है तो बी अप में, तो दोनों कितने देर के बाद एक दूसरे से मिलेंगे, जल्दी से आप बताएं कमेंट करके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, दो बोट हैं ए और बी, एक दूसरे की तरफ जाते हैं, दोनों के बीच की दूरी 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, ए की स्पीड 12 है, बी की स्पीड 15 है,
आपको बताना है कि दोनों कितने देर के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। विपुल का आंसर आ चुका है। बी और भी बाकी सारे बच्चे आंसर दें। आकाश का भी आंसर आ चुका है बी। और बाकी सारे बच्चे आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एक बच्चे का और आंसर आया है बी। बॉस थॉट का भी बी आ चुका है। संजू सिंह का बी। बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चों का आंसर बी आ रहा है। जिन बच्चों का आंसर नहीं आ रहा है वो देखें कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है वो देखो ध्यान से। ए और बी के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं 108 किलोमीटर दिया हुआ है। कितना डिस्टेंस दिया हुआ था तो आप कहोगे 108 किलोमीटर डिस्टेंस ए और बी के बीच का दिया हुआ है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। 108 किलोमीटर आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है। अब जो कहने वाली बात है वो समझना आप क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। कहता है ए से जो बंदा जाता है इसकी स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटे है और जो बंदा बी से आता है ना उसकी स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता क्या है, ए डाउन में जाता बी अप में जाता है, तो एक बात सीधी सी बात है दोनों कितने देर के बाद एक दूसरे से मिलेगा। 108 किलोमीटर का डिस्टेंस है ए और बी के बीच में। करंट का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, दोनों दूसरे के विपरीत जाता है। बच्चे क्वेश्चन बहुत इजी है, यहाँ पर ये नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ये बिहेव कर रहा है क्योंकि करंट की स्पीड यहाँ पे जीरो है। तो आपको पता होगा, आपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में किया होगा कि अगर कभी एक बंदा और दूसरे बंदे का डायरेक्शन अपोजिट हो तो उस कंडीशन में जो रिलेटिव स्पीड होती है वो दोनों को ऐड करने पर मिलती है। तो 12 और 15 कितना होता है, तो आप कहोगे 27 किलोमीटर प्रति घंटा और डिस्टेंस कितना था 108 किलोमीटर। तो आपको पता होगा कि टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस था 108 और स्पीड था 27। 27 चौके कितना 108, तो टाइम कितने घंटे का लगा 4 घंटे का। इसका मतलब ये हो गया कि जो दोनों बंदे हैं वे दूसरे से कितने देर के बाद मिलेंगे, तो आंसर आएगा 4 घंटा। मीनू सिंह बिल्कुल सही, मनोज यादव बिल्कुल सही, 4 घंटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको ये बात आ गई है तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन का लेवल कितना ईजी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो, चीजों को अपने एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं 2008 का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता क्या है वो देखो। स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज 45 किलोमीटर पर एन आवर।
इफ द बोट ट्रेवल्स along 80 km along the stream, travels 80 km along the stream in 1 hour 20 minutes. Then the time taken by it to cover the same distance against the stream will be option number A 3 hours, option number B 1 hour 20 minutes, C 2 hours 40 minutes, or D 2 hours 55 minutes. 2 hours 55 minutes. देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, समझे यहां पर. क्वेश्चन कहता है कि बोट की स्पीड दी हुई थी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर पर एन आवर. और क्वेश्चन कहता है इफ द बोट ट्रेवल्स 80 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम, करंट के साथ जाता है तो एक घंटा 20 मिनट का टाइम लगता है. ठीक है, तो अब कहता क्या है कि अगर वही डिस्टेंस कवर किया जाए करंट के अगेंस्ट में तो कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा. आपसे अपस्ट्रीम में टाइम की डिमांड कर रहा है, आपसे अपस्ट्रीम में टाइम की डिमांड कर रहा है. बोट की स्पीड दी हुई थी 45 किलोमीटर पर एन आवर. कहता है यदि मोटर बोट बोट धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी एक घंटा 20 मिनट में तय करती है तो इतनी ही दूरी धारा के विपरीत कितने देर में तय करेगी. बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है. और भी जो बच्चे जुड़े हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा. क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा. मीनू सिंह 2 घंटे 40 मिनट, आकाश 2 घंटे 40 मिनट, रितिक श्रीवास्तव 2 घंटे 40 मिनट, मनोज यादव 2 घंटे 40 मिनट. आंसर आ रहा है 2 घंटे 40 मिनट. सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 2 घंटे 40 मिनट. आगे देखते हैं क्वेश्चन का क्या पैटर्न है और किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे. देखो जिन बच्चों से नहीं बना वो यहां समझो. बोट की स्पीड दी हुई थी 45 किलोमीटर पर एन आवर, 45 किलोमीटर पर एन आवर. कहता है बोट ट्रेवल्स 80 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम. डिस्टेंस की बात अगर की जाए
तो डिस्टेंस उसे 80 किलोमीटर कवर करना था और टाइम कितना लग रहा था, 1 घंटा 20 मिनट। तो 1/3 ये कितना होगा, 4/3 घंटा। अब आप यहाँ पर बात को समझना, यहाँ से आपको मैं कहता हूँ स्पीड निकाल लो। स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 3 ऊपर चला जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड आएगा। बहुत सारी बातों को समझना बच्चे, ये 60 दो पार्ट में बटेगा, एक तो बोट और दूसरा करंट। बोट की स्पीड कितनी थी, तो आप बोलोगे 45, तो करंट कितना होगा, 15। करंट की स्पीड कितनी होगी, 15। तो अगर आप स्ट्रीम में स्पीड की बात करोगे तो कितना होगा, 45 माइनस 15, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक ठीक है, डिस्टेंस तो वही कवर करना था 80 किलोमीटर, हमसे टाइम पूछा था, टाइम होता डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, 8/3 आ गया। 8/3 का मतलब कितना हो गया, 2 सही 2/3 घंटा। अब 2 सही 2/3 घंटे का मतलब कितना, 2 घंटे तो होगा ही होगा, 1 घंटे में 60 मिनट। तो अगर आप 60 का 2/3 निकालोगे तो 40 मिनट आ जाएगा। तो आंसर आ गया 2 घंटे 40 मिनट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2 घंटे 40 मिनट। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो, आंसर आएगा 2 घंटे 40 मिनट। संजू सिंह का भी आंसर सी आया है और विपुल कुमार का भी आंसर सी आया है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, अगर आ गई है तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लो। अगर आ गई है तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो, और अगर नोट डाउन कर चुकी हो तो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और किस तरीके से क्वेश्चन को डील करेंगे। सर डेली क्लास 11 बजे से ही स्टार्ट होती है क्या? नहीं, डेली क्लास 11 बजे से स्टार्ट नहीं होती है, मेरी क्लास 11 बजे से स्टार्ट होती है क्योंकि मुझे बहुत दूर से आना पड़ता है, इसलिए क्लास 11 बजे से स्टार्ट होती है। ऐसे आज 9 बजे से क्लास थी लेकिन साइकोलॉजी की क्लास थी, मैथ क्लास नहीं थी। कल आपकी क्लास स्टार्ट होगी मैथ की 9 बजे से, कल आपकी मैथ की क्लास 9 बजे से स्टार्ट होगी, शेड्यूल आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2008 का क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बात करेंगे 2009 की, 2009। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन क्या कहता है, अ बोट रोज डाउन स्ट्रीम कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। व्हाइल इट कवर्स द सेम डिस्टेंस It covers the same distance upstream in 5 hours. Upstream in 5 hours. Find the speed of the boat. Find the speed of the boat in still water. इन स्टील वाटर, ऑप्शन नंबर A7, B में 8, C में 9 और D में 10 किलोमीटर पर एन आर। क्वेश्चन कहता है एक नाव है, एक बोट है जो डाउन स्ट्रीम में एक डिस्टेंस कवर करता है 20 किलोमीटर का 2 घंटे में, और वही डिस्टेंस अप स्ट्रीम में कवर करने में 5 घंटे का टाइम लगता है, तो बोट की स्पीड बतानी है स्टील वाटर में। बहुत अच्छे आकाश, विपुल, रितिक, सबका आंसर आ रहा है 7 किलोमीटर पर एन आर। सबका आंसर आ रहा है 7 किलोमीटर पर एन आर। क्वेश्चन को करने का तरीका आप सबको समझ में आ चुका है कि 20 किलोमीटर अगर जाना है 2 घंटे में तो किस स्पीड से जाएगा,
तो आप कहोगे 10 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से जाएगा, और यही 20 किलोमीटर 5 घंटे में जाएगा तो कितने के स्पीड से जाएगा, तो आप कहोगे 4 के स्पीड से जाएगा। अब कहता क्या है स्पीड ऑफ द बोट बताने के लिए, तो स्पीड ऑफ द बोट होता क्या है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2। डाउन में स्पीड कितनी 10, अप में स्पीड कितनी 4 अपॉन में 2, तो 14 अपॉन 2। तो बोट की जो स्पीड आएगी बच्चे वो आएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है। तो 2009 में पूछा गया ये क्वेश्चन, जिसका आंसर आ चुका है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद करता हूं इस तरीके से आप चीजों को बहुत आसानी से कर पा रहे होंगे। 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब बात करेंगे हम 2010 के क्वेश्चन की, जो आपके एग्जाम में बना है, किस पैटर्न पे बना है, क्या लेवल है उसका, वो हम समझते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 2010 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसकी क्या डिमांड है और किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है 2010 वाला, आप इसे समझे बहुत अच्छे तरीके से। क्वेश्चन कहता है अ बोट कवर्स 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। व्हाइल इट कवर्स 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6.5 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। सॉल्व करो और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। काफी बढ़िया क्वेश्चन, कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। मैं हिंदी में क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूँ, सुनो बच्चे जो भी हिंदी मीडियम वाले हो, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है आप उसे एक बार अच्छे से समझे। क्वेश्चन कहता है एक नाव 6 घंटे में धारा के विपरीत 24 किलोमीटर धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है, या 6.5 घंटा धारा के विपरीत 36 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो धारा की चाल बता दें, तो धारा की चाल बता दें।
एक बच्चे का आंसर आया है दो। और भी जो बच्चे जुड़े हुए हो जल्दी से कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। मनोज यादव का भी आंसर आ रहा है दो। जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी से आंसर बताएं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सबका आंसर दो आ रहा है। देखते हैं ध्यान से क्वेश्चन क्या कहता है, समझो आप। एक बोट है जो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाता है। मैं डायरेक्ट ट्रैक बताता हूँ, देखो ध्यान से, डबल लेयर क्वेश्चन है। अपस्ट्रीम में जाएगा तो ऊपर का एरो बनाएंगे, ठीक है? ऊपर का एरो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जा रहा था और डाउन स्ट्रीम में कितना जा रहा था? 36 किलोमीटर। तो टाइम कितने घंटे का लग रहा था बच्चे? तो बोलोगे 6 घंटे का। जबकि 36 किलोमीटर अगली बार वो अपस्ट्रीम में गया, 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गया और डाउन स्ट्रीम में कितना गया? 24 घंटे। तो टाइम कितने घंटे का लग रहा था? 6.5 घंटे का। तो कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट, करंट की स्पीड बताएं। देखो बच्चे, आपको यहाँ पर थोड़ी सी बात सोचने वाली है। अगर मैं ये कहूं कि भाई 36 किलोमीटर इसे डाउन में जाना है और 18 की स्पीड से 36 किलोमीटर जाएगा, अपने मन से मान लेना है, कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। मेरा मन किया 18 मानने का, मैंने 18 मान लिया। आपका मन है 12 मानने का, 12 मान सकते हो, कोई बात नहीं। 18 मानते 36 किलोमीटर कितने घंटे का टाइम लगा? 2 घंटे का। टोटल टाइम कितना घंटा था? 6 घंटा। मेंस वाले बच्चे जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% चांसेस क्वेश्चन के आने का मेंस में। मैंने मान लिया 18 की स्पीड से 36 किलोमीटर जाता है तो कितने घंटे का टाइम लगेगा? 2 घंटे का। टोटल टाइम 6 घंटे था, बचा कितना? 4 घंटा। तो बच्चे 2 घंटे और 4 घंटे, 6 घंटे तो हो गए। 4 घंटे में अगर 24 किलोमीटर गया होगा तो कितने की स्पीड से गया होगा? तो आप बोलोगे 6 के स्पीड से गया होगा। अब ये बात सही है या गलत, हमने जो अजम्पशन किया वो सही है या गलत, वो नीचे वाला स्टेटमेंट बता देगा। ध्यान से देखना मेरी बात। 18 के स्पीड से 24 किलोमीटर मैं इसे ले जा रहा हूं, 18 के स्पीड से 24 किलोमीटर, तो टाइम लगा कितना? 24/18 कितना लग गया? 4/3, 4/3 घंटे का। हो सकता है मेरा गलत हो, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ चीजों को समझना अच्छे से। और ये 6 के स्पीड से जाएगा, जब ये 6 के स्पीड से जाएगा तो 6 घंटा। अब आप खुद सोचो क्या ये आधे घंटे के बराबर है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब जो मैंने 18 घंटा माना है वो बिल्कुल ही गलत है। जो मैंने 18 घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मैं इसे लेके जा रहा था, वो गलत है। तो अब क्या करेंगे? अब हम इसे वैल्यू को चेंज करेंगे। फिर से ध्यान से देखना, यहां पर 24 किलोमीटर ये डाउन स्ट्रीम में गया था, अप में गया था, और 36 किलोमीटर ये डाउन स्ट्रीम में गया, तो टाइम कितने घंटे का लगा? 6 घंटे का। 24 किलोमीटर ये कहाँ जाता है? डाउन स्ट्रीम में। और अप में ये कितना जाता है? तो आप बोलोगे कि सर अप में अगली बार में जो तो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें 36 किलोमीटर जाता है, तो टाइम कितने घंटे का लगता है? 6.5 घंटे का। यहां तक तो ठीक है। अब आप कर क्या सकते हो, अपने तरफ से वैल्यू को अज्यूम कर लो। यहां पर आप बोलोगे सर 12 से लेके चलो, ठीक है 12 से लेके चलते हैं। 12 से लेके चलोगे तो कितने घंटे? 3 घंटे। अब अगर 3 के स्पीड से इसको भी ले जाओगे तो कितने घंटे? 8। यहां ठीक है, देखो 3, 12 के स्पीड से गया 36, 3 घंटे का टाइम लगा।
टोटल टाइम 6 घंटा था, बचा 3 घंटा, 3 घंटा में 24 किलोमीटर, तो कितने की स्पीड से? 8 के स्पीड से। अगर 12 की स्पीड से 24 जाएगा तो कितने घंटे का टाइम? 2 घंटे का। और 8 के स्पीड से अगर 36 जाता है तो टाइम लगता 36/8, 9/2, 4.5। और क्या 4.5 + 2 4.5 होता है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल होता है। इसका मतलब जो 12 हमने माना था वो बिल्कुल ही करेक्ट था। तो बच्चे ये जो 12 स्पीड आई है वो डाउन में स्पीड आई है 12 और अप में स्पीड आई है 8। हमसे पूछा क्या था? तो आप कहोगे सर करंट की स्पीड ही तो पूछा था, करंट की स्पीड। और करंट होता क्या है? दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड, तो कितना आ गया? 12 - 8, 4/2। तो आंसर आ गया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड ऑफ द करंट है। तो जिन बच्चों ने बताया बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सही था उनका आंसर, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा का, ये वाला क्वेश्चन जो आपके 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2020 के मेंस, 2019 का जो मेंस 2020 में होना है उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा ये हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो, और नोट डाउन करने के बाद हम चीजों को आगे बढ़ते हैं। अगर किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दे यस सर। अगर कोई डाउट है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दे यस सर। सर फर्स्ट वाला स्टेप दोबारा बता दो सर, दूसरे मेथड से बता दो। रेनू दूसरे मेथड से मैं बताऊंगा तो आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट आपको ट्रिक से बताया है। अगर कॉन्सेप्ट से समझना है तो मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, लेकिन आपको इसी मेथड से एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। देखो यहाँ 36 दिया हुआ था, अनुपमा 36 दिया हुआ था, आप अपने मन से कुछ भी मान सकते हो। मैंने 18 माना, सेटिस्फाइड नहीं किया तो मैंने 12 मान लिया। अगर 12 के स्पीड से 36 किलोमीटर जाओगे तो कितने घंटे का टाइम? तो आप कहोगे 3 घंटे का टाइम। टोटल टाइम कितना दिया था? 6 घंटे का। तो बचा कितना टाइम? 3 घंटा। अब ये 3 घंटे में कितने किलोमीटर? 24 किलोमीटर। तो कितने के स्पीड से जाएगा? तो बोलोगे 8 के स्पीड से जाएगा। अब बच्चे ये जो 8 और 12 आया है, अगर ये 8 और 12 यहाँ रखने पर 6.5 घंटे आ जाता है तो आंसर करेक्ट होगा। तो 12 की स्पीड से 24 किलोमीटर तो 2 घंटे, 8 की स्पीड से 36 किलोमीटर तो 4.5 घंटे। तो 4.5 + 2 कितना घंटा? 6.5 घंटा आ गया। तो डाउन की स्पीड कितनी? 12। अप की स्पीड कितनी? 8। करंट की स्पीड पूछा था, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 - 8 4 होता है, और 4 का आधा 2 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सर ये मेथड सारे क्वेश्चन पर वैलिड है? ये मेथड सारे क्वेश्चन पर वैलिड नहीं है, ये मेथड जो वैलिड है वो डबल लेयर वाले ही क्वेश्चन पर वैलिड है, जिसमें 2 बार स्टेटमेंट दिया जाए कि एक बार डाउन में अप में जाता है तो इतना टाइम लगता है, और दूसरी बार डाउन और अप में जाता है तो इतना टाइम लगता है, उसी में ये मेथड वैलिड होगा। अब अगर किसी को डाउट है तो बताओ भाई, मैं कॉन्सेप्ट बताऊं। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, अगर कोई डाउट हो तो मैं बताऊं फिर से इस क्वेश्चन को। सर 3 और 8 कैसे आया? कहां 3 और 8 आया है भाई? 3 और 8 कहाँ आया है? 12 और 8 आया है। ये 3 और 8 कैसे आया? अच्छा यहाँ देखो, मैंने कहा 12 घंटे में 36 किलोमीटर, तो कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे का। टोटल टाइम कितना लगना था? 6 घंटा। तो 3 घंटा यहाँ तो बचा कितना? 3 ही घंटा तो बचेगा। 6 घंटे में 3 घंटा टाइम डाउन में लग गया तो अप में टाइम कितना लगेगा? 3 घंटे का। और 3 घंटे में 24 किलोमीटर, तो कितने के स्पीड से जाएंगे? 8 के स्पीड से, इसीलिए यहाँ पर 3 और 8 आया है। आप बताएं अनुपमा, अभी भी डाउट है क्या? नो डाउट। बोलो बच्चे, जो भी बच्चे देख रहे हो कमेंट करके बताओ भाई, डाउट है क्या? कॉन्सेप्ट बताना है इस क्वेश्चन का? क्या कॉन्सेप्ट बताना है इस क्वेश्चन का?
बोलो भाई कॉन्सेप्ट बताना है तो मैं कॉन्सेप्ट बताऊं, अदरवाइज सारे ऑलमोस्ट टाइप आपके डिस्कस किए जा चुके हैं यहाँ पर। नो सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट चीजें समझ में आ गई हैं तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके दो बार एग्जाम में पूछा गया, ये क्वेश्चन आपके 2010 में भी पूछा गया और सेम क्वेश्चन आपके 2012 में पूछा गया है, 2012 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है विपुल कुमार इस क्वेश्चन में। सर कॉन्सेप्ट से ही कर रहा था, टाइम ज्यादा लग जाएगा। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अनुपमा कर रहा है यस सर कॉन्सेप्ट भी बता दीजिए। मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं लेकिन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्व आप लोग खुद कर लेना, सॉल्व आप लोग खुद कर लेना। कॉन्सेप्ट कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, इक्वेशन बता देता हूँ, इक्वेशन को सॉल्व करने की जिम्मेवारी आपकी। देखो बच्चे, 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहा था तो 24 लिख दो, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा रहा था 36 लिख दो। अप में स्पीड अनुपमा मैंने एक्स मान लिया और डाउन में स्पीड मैंने वाई मान लिया। अप और डाउन की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, मैं बोट और करंट की बात कर लेता हूँ। बोट की स्पीड एक्स है और करंट की स्पीड वाई है, तो अगर ये डाउन में, देखो डाउन में कौन सा ज्यादा, 36 वाला, तो स्पीड क्या होगी, एक्स प्लस वाई, और अप में स्पीड कितनी होगी, एक्स माइनस वाई, तो टाइम कितना लगा, 36 अपॉन एक्स प्लस वाई। यहाँ टाइम कितना लगा, 24 अपॉन एक्स माइनस वाई, और कितने घंटे का टाइम लगा, तो आप कहोगे 6 घंटे का टाइम लगेगा। आगे बताता हूँ आपको, 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम में गया और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में गया, तो डाउन स्ट्रीम में लगने वाला टाइम क्या होगा, 24 अपॉन एक्स प्लस वाई, और अप स्ट्रीम में लगने वाला टाइम क्या होगा, 36 अपॉन एक्स माइनस वाई। ये कितना टाइम लगा, 6.5 आवर्स का। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आपका आ जाएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा। नोट डाउन कर लो जिनको भी करना है, और आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एक ही जैसा है। इसी टाइप से सारे क्वेश्चन बनेंगे, जिनको डाउट हो पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं अगले टाइप पर, हम बात करेंगे डायरेक्ट 2016 वाले क्वेश्चन की, क्योंकि बाकी सारे टाइप एक ही जैसे हैं। आप किसी भी बुक से बनाओ, अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछें, सारे टाइप इसमें कवर कर दिए गए हैं। तो जिन बच्चों को भी डाउट हो वो आसानी से पूछें। एक टाइप और मैं करवा रहा हूं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता क्या है वो देखो, अ मैन रोज टू अ प्लेस ऑफ 35 किलोमीटर। ये क्वेश्चन बच्चे आपके 2016 वाले सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया था, 2016 सीपीओ, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। अ मैन रोज टू अ प्लेस ऑफ 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर इन डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड बैक इन 10 hours 30 minutes, 10 hours 30 minutes, ही फाउंड दैट he can row 5 km with the stream in the same time
एज ही कैन रो फोर किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम अगेंस्ट द स्ट्रीम फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द स्ट्रीम. ऑप्शन है बच्चे 1.075 1.33 1.5. आप इसे सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताएं. आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करें और बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है. जल्दी से कमेंट करके बताएं. देखो बच्चे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहता है कि एक आदमी 35 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जाता और आता है, टोटल डिस्टेंस कवर करता है 10.5 घंटे में. कहता है ही फाउंड दैट ही कैन रो 5 किलोमीटर विद द स्ट्रीम. करंट के साथ जाता है तो 5 किलोमीटर जाता है और उतने ही टाइम में करंट के अगेंस्ट आता है तो 4 किलोमीटर आता है. फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द स्ट्रीम. रेट ऑफ फ्लो बताना है स्ट्रीम के साथ, करंट के साथ. देखो एक बात समझना, टोटल टाइम जो दिया वो 10.5 घंटे का दिया, ये बात तो कंफर्म है. ठीक है, एक बात समझो आप, अगर बोट की स्पीड को x मान लेते हैं, करंट की स्पीड को y मान लेते हैं, 35 किलोमीटर गया है और 35 किलोमीटर आया है, तो एक बार धारा के साथ गया होगा, एक बार धारा के विपरीत गया होगा, तो टाइम कितना लगा, 10.5 घंटा. 10 सही 1/2 कितना आ गया, 21/2. कितना आ गया, 21/2. आगे क्या कहता है, 5 किलोमीटर करंट के साथ जाता है तो टाइम तो उतना ही लगा. और क्या करता है, 4 किलोमीटर करंट के विपरीत जाता है तो 4/x-y क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5x-5y = 4x+4y आएगा. ये बात मैं फिर से समझा दूं नहीं तो आप पूछोगे फिर से. कहता क्या है कि जितना टाइम 5 किलोमीटर जाने में लगता है धारा के साथ, उतना ही टाइम 4 किलोमीटर लगता है ट्रेवल करने में धारा के विपरीत. यहाँ पे टाइम कांस्टेंट था तो आपको पता है कि टाइम होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस 5 था, स्पीड x प्लस y हो गया. डिस्टेंस 4 था, स्पीड x माइनस y हो गया. दोनों टाइम इक्वल था इसलिए मैंने इक्वल कर दिया. क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने तो देखो 5x-4x कितना x, और 5y+4y कितना 9y. x की वैल्यू कितनी आ गई, 9y. अगर वो 9y आ चुका है तो करना क्या, x की जगह पे 9y पुट कर दो. 35/10y 35/8y = 21/2. इसके बाद की जिम्मेवारी आपकी है, आप यहाँ पर सॉल्व करो और बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है. इसे सॉल्व करो और सॉल्व करके बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है. यहां तक कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो. सॉल्व मैं आपको करके बता दे रहा हूं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा.
ज्यादा अच्छा 35 आप कॉमन ले लो, जैसे कॉमन लोगे तो 1/10 / 1/8 = 20, 1/2 होगा, ये वाला 35 इस तरफ आ जाएगा, 7 से 5 बार में, 7 से 3 बार में, 10 और 8 का एलसीएम कितना आ गया 40, तो ये 4 + 5 आपके पास चला आएगा, इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 3/10, 0 0 कैंसिल आउट, तब यहां से आप देख सकते हो 9 = क्या आ जाएगा 3 y, y इक्वल टू क्या आ गया 3। एक बार देखो आप कहीं तरह का मिस्टेक हो रहा है तो आप देखो कहां पर क्या गलती हो रही है। हमने यहां से 35 कॉमन ले लिया, 35 इस साइड आ गया नीचे में आपके पास, 7 से 3 बार में, 7 से 5 बार में 3/10 आ गया, यहां पर मिस्टेक हो रहा है, यहां देखो क्या होगा 9 = 12 y, तो y इक्वल टू 9/12 कितना आ गया 3/4, आंसर कितना 0.75। तो करंट की स्पीड आपकी आ गई है 0.75, करंट की स्पीड आ गई है आपके पास 0.75 km/h, करंट की स्पीड कितनी आ गई है 0.75। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एक बार कमेंट बॉक्स में डाउट टाइप कर दो ताकि मैं फिर से आपको समझा दूं। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। इसी क्वेश्चन के साथ आपका बोट एंड स्ट्रीम कंप्लीट होता है, हर टाइप मैंने आपका डिस्कस कर दिया बोट एंड स्ट्रीम में, किसी भी बुक से आप क्वेश्चन को बनाएं, अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ लें। कल की क्लास में हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करेंगे, किसी बच्चे का यह कहना था सर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस करवा दो, तो कल की क्लास का टॉपिक होगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में डाउट टाइप कर दो। उम्मीद करता हूं किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, तो कल वाली क्लास में हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का चैप्टर करेंगे। एडुपैड में मेरे साथ यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।